swaha tat savite varenyam bhargo devasya dhimahi niyo yo nah prachodayat. गायत्री मंत्र। मंत्रों में महामंत्र, चारों वेदों के गुण समाये हुए हैं इस महामंत्र में। सभी धर्म ग्रंथों में गायत्री की महिमा कही गई है। गायत्री मंत्र तीनों देव ब्रह्मा विष्णु और महेश का सार है। पुराणों में कहा गया है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को गायत्री मंत्र आकाशवाणी के जरिए मिला था। इस मंत्र की साधना करने से ही ब्रह्मा को सृष्टि की रचना करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। गायत्री मंत्र के चार चरणों की व्याख्या स्वरूप ही ब्रह्मा ने चार मुखों से चार वेदों का वर्णन किया है, इसीलिए गायत्री को वेद माता भी कहा जाता है। गायत्री को जानने वाला वेदों को जानने का लाभ प्राप्त करता है। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, गायत्री छंद सामहम, अर्थात गायत्री मंत्र मैं स्वयं ही हूँ। संस्कृत का यह मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, जो भृगु ऋषि को समर्पित है। आइए अब हम गायत्री मंत्र का शब्दार्थ जानते हैं। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितु वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम परम पिता परब्रह्मा का अभिवाच्य शब्द। भू भूलोक धरती लोक पृथ्वी लोक। भुवः अंतरिक्ष लोक। स्वः स्वर्ग लोक। परब्रह्म परमात्मा। सवितुः ईश्वर सृष्टिकर्ता। वरेण्यम पूजनीय। भर्गो अज्ञान और पाप निवारक यानी अज्ञान और पाप दूर करने वाले। देवस्य ज्ञान स्वरूप भगवान का। धीमहि हम ध्यान करते हैं। धियो बुद्धि प्रज्ञा। यो जो न हमें प्रचोदयात प्रकाशित करे। आइए अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। सृष्टिकर्ता यानी जिसने संसार को उत्पन्न किया है। प्रकाशमान अर्थात जो ज्ञान का भंडार है और पापों तथा अज्ञान को दूर करने वाला है। ऐसे पूजनीय परमात्मा के तेज का हम ध्यान करते हैं। परमात्मा का वह तेज हमारी बुद्धि को सत्य के मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करे। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्य की राह पर चलने के लिए प्रेरित करे। गायत्री मंत्र एक वैज्ञानिक मंत्र भी है। हमारे ऋषि मुनियों ने गायत्री मंत्र के 24 शब्दों को इस तरह संकलित किया है कि मंत्र का अर्थ के साथ साथ ही उसका शारीरिक लाभ भी होता है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं जिनमें 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। ये सभी नाड़ियाँ सोई हुई अर्थात सुप्त अवस्था में होती हैं। ये नाड़ियाँ जीभ से जुड़ी होती हैं। मंत्रोच्चार के समय मंत्र के शब्द जीभ पर जहाँ जहाँ भी स्पर्श होते हैं वहाँ की नाड़ियों को वो जागृत करने का काम करते हैं। इस तरह से नाड़ियों में ऊर्जा उत्पन्न होती है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभप्रद होती है। गायत्री मंत्र पर भारत में एम्स ने 1998 से शुरू करके कई वर्षों तक शोध कार्य किया। उन्होंने 2 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप ने गायत्री मंत्र नहीं बोला और एक ग्रुप ने 3 महीने तक हर रोज 108 बार गायत्री मंत्र का जाप किया। गायत्री मंत्र का जाप करने वालों में खुशी के समय बढ़ने वाले और दिमाग की सक्रियता बढ़ाने वाले हार्मोन्स बढ़ने लगे। शरीर में गाबा केमिकल भी बढ़ने लगा जिसकी कमी से डिप्रेशन जैसी बीमारियां होती है। मंत्र का जाप करने वालों का दिमाग शांत और जागृत हो गया। एम्स ने यह निष्कर्ष निकाला कि गायत्री मंत्र के जाप से इंसान की बौद्धिक क्षमताओं का अनंत विस्तार किया जा सकता है। एम्स की शोध यानी रिसर्च अभी भी जारी है। इस तरह गायत्री मंत्र को अपनाकर मनुष्य व्यक्तिगत सामाजिक और मानसिक सुख शांति पूर्ण रूप से पा सकता है। इसका जाप करने से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, इसलिए व्यक्ति हमेशा बीमारियों से दूर रहता है। साथ ही यह समाज में भी यश प्रसिद्धि धन और ऐश्वर्य देता है। गायत्री मंत्र सूर्य भगवान को समर्पित है, इसलिए इस मंत्र के जाप के लिए शास्त्रों के अनुसार 3 समय बताए गए हैं। पहला समय प्रातःकाल सूर्योदय के समय। गायत्री मंत्र का दूसरा उपयुक्त समय दोपहर का समय है और मंत्र के जाप के लिए तीसरा समय सूर्यास्त का समय है यानी संध्या काल में।
ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ धन्यवाद।